नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। दोस्तों आज हम शुगर सेक्टर के बहुत ही तगड़े शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जो भी बहुत ही हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी पकड़ी हुआ था और लोगों को भर भर के पैसा उसने बना कर दिया था। और लेकिन एक सीमा से ज़्यादा इसमें तेज़ी आने के बाद अब इसमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही और लोअर सर की भी देखने को मिल रहा है। तो मैं, जी हाँ, बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर के बारे में। तो ये जो शेयर था बहुत तेज़ी पकड़ी हुआ था, लेकिन अब जो इसमें गिरावट आ गई है, अब ये गिरावट काफ़ी दिन तक रहने वाली है। तो अब हम इसमें बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसके कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे क्या हैं, कंपनी के आगे के क्या टारगेट्स हैं, क्या लेवल्स हैं, कंपनी में अभी आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कंपनी में अगर आपको निवेश करना है तो किस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो चल के देखते हैं पहले इसकी कंपनी के कैसे क्या आज ट्रेड चल रही है। तो आज देखें तो इसमें लगभग 5% का लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो कि 1.95 रुपये की इसमें गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। अब ये 37.10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, दिन भर इसमें लोअर सर्किट का सिलसिला जारी रहा है। वन वीक का स्काल देखें तो वन वीक में इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है, इसमें लगभग 8.40 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। लगभग ये 18.46% गिर चुका है सिर्फ और सिर्फ एक वीक में। वन मंथ का इसका हाल देखा तो वन मंथ में आप उसको देख के हैरान हो जाएंगे कि इसने क्या किया था। ये देखिए, एक महीने पहले ये 22.70 रुपये के आसपास हुआ करता था, इसने अपना हाई बनाया कहाँ पे 45 रुपये पर, मतलब अपने इसने पैसा जो है सीधे सीधे 5 जुलाई से, मतलब कि 10 जून से 5 जुलाई के बीच 25 दिन में इसने पैसा जो है दुगना कर दिया था। मतलब हद ही तेज़ी पकड़ रखी थी इसने, रुकने का ये नाम नहीं रहा था। लेकिन जैसे इसने अपना हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद इसमें गिरावट चालू हो गई थी और ये गिरावट अभी भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये जो इसकी अपना मैं आपको बताया कि तेज़ी थी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई की थी इसने, बिल्कुल कभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बिल्कुल भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, वे बिल्कुल सीधी चढ़ाई कर रहा था। तो इसमें ये जो गिरावट है आना लाजमी थी बहुत ही, क्योंकि ये छोटा सा शेयर है, कोई बहुत बड़ा तो शेयर है नहीं। उसके अलावा देखें तो कंपनी लॉस पे भी है, कंपनी ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही हो, कंपनी में भारी भरकम प्रॉफिट हो, तो ऐसा भी नहीं है। कंपनी की देखें तो कंपनी लॉस में चल रही है, उसके बावजूद जो है कंपनी का शेयर जो है बहुत तेज़ी से भाग रहा था। तो इसमें जो साफ साफ दिखाई दे रहा था वो दिखाई दे रहा था थोड़ा सा ऑपरेटर्स का गेम। और इसके अलावा जिसके पॉजिटिव जो इस कंपनी के लिए थे वो थे जो शुगर का बूम। शुगर का बूम जो आपको पता ही है कि ये अपनी भारत सरकार की योजना चल रही है किसके लिए, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो उसके लिहाज से ये शेयर बहुत ही तगड़ा, लोगों को समझ में आ रहा था कि इसका जो भविष्य है काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ये भी मैं भी ये बात मानता हूँ कि इसका जो भविष्य काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर ये कंपनी डेथ हो जाती है, क्योंकि आपको पता ही है कि 2025 तक अपने इंडिया में एथेनॉल की पेट्रोल में 25% के आसपास की ब्लेंडिंग करने के लिए मोदी सरकार ने कहा है। तो इनका जो टारगेट है वो कितना अचीव कर पाते हैं, कितना अचीव नहीं कर पाते हैं, तो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो अभी इन्होंने बोला है उसको, अभी ये जो शुरुआत है इसकी हो चुकी है और ब्लेंडिंग अब चालू ही होने वाली है इंडिया में, और एथेनॉल की ब्लेंडिंग काफ़ी भारी मात्रा में आगे भी बढ़ती रहेगी। और इसके अलावा जो अपने इंडिया में शुगर का उत्पादन इतनी भारी भरकम मात्रा में होता है और जो अपने इंडिया है बाहर भी भेजता है शक्कर अपने शुगर को, तो ये जो है काफ़ी अच्छा एक भारत के लिए पॉजिटिव्स हैं, इन कंपनियों के लिए पॉजिटिव्स हैं कि जो शुगर का जो बूम है आगे भी बरकरार रहने वाला है, क्योंकि जो कम उत्पादन कर पाते हैं शुगर का तो उनको शुगर की जरूरत पड़ती है, तो भारत अपने यहाँ से उनको शुगर भेजता है। उसके अलावा जो मैंने बताया एथेनॉल को बनाना है, एथेनॉल किससे बनता है, एथेनॉल भी बनता है अपना शुगर और शुगर केन से। तो दो आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे होंगे कि कंपनियों, इस कंपनी के बढ़ने के दो कारण हैं कि तो भारत अपना शक्कर बाहर भेजेगा, उसके अलावा क्या करेगा, जो अपने एथेनॉल में ब्रांडिंग होनी है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैंने पॉइंट बता दिए। अब देखते हैं इसका 6 महीने में, अगर मैं आपको हाल दिखाऊं तो 6 महीने में इसका क्या हाल रहा है। तो एक भयंकर तेज़ी इसने दिखाई है सिर्फ 6 महीने में। 6 महीने पहले देखे तो 11-12 रुपये का शेयर हुआ करता था ये, और 6 महीने बाद कहाँ पहुँचा, सीधे 45 रुपीज़ पर, मतलब कि पैसा 4 गुना कर दिया आपका इसने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। मतलब अपने पैसा अगर इसके नीचे के लेवल पर बाइक कर रखा होगा तो ये आपका पैसा बहुत ही खतरनाक इसने बनाकर दिया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के बहुत ही तगड़ी तेज़ी थी। अब चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की तरफ, कंपनी फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आपको मैं दिखाऊँ तो कंपनी के फंडामेंटल, तो कंपनी जो है शुगर से रिलेटेड कंपनी है, शुगर में डील करती है और स्मॉल कैप कंपनी, लगभग 8,311 करोड़ रुपये का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो देखें तो पी रेशियो उनका बहुत ही ज़्यादा माइनस में है, माइनस का 72.47। तो एक भारी भरकम ये कंपनी जो है सस्ती समय में आ रही है, इस लिहाज से देखा है तो काफ़ी कंपनी का पी बहुत ज़्यादा कम है और इस लिहाज से देखा है तो कंपनी काफ़ी सस्ती है, लेकिन कंपनी पर कर्जा है तो ये पी इसलिए माइनस में दिखाई दे रहा है, कंपनी पर भारी भरकम जो है लॉस चल रहा है। सेक्टर के पी से देखें तो सेक्टर के पी से इसको अभी कंपेयर करना बहुत इसलिए गलत होगा क्योंकि सेक्टर में ऑलरेडी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑलरेडी हैं। पी बी रेशियो भी कंपनी का काफ़ी कम है, माइनस का 13.89 का पी बी है, क्योंकि सेक्टर के पी बी से काफ़ी कम है। डिविडेंड का कोई भी डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है। अब देखिए कि इनका फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा रहा है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड जो उनका
फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 था इनके लिए काफ़ी अच्छा रहा था ना, उन्होंने प्रॉफिट जो था 244% के आसपास का उन्होंने प्रॉफिट कमाया था और रेवेन्यू भी 64.17% के आसपास का इनका रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया था। काफ़ी अच्छी इन्होंने तेजी दिखाई थी किसमें, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 में। ओवरऑल मैं आपको आंकड़ा बताऊँ तो आंकड़ों में इनका 7.75 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 2.10 करोड़ का इनका क्या था प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन इस साल क्या हुआ, जो कोरोना की इन पर मार पड़ी क्योंकि सारी कंपनियां बंद चल रही थी, सारी जो भी फैक्ट्रीज थी बंद चल रही थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि ये सारी कंपनी लॉसेस में आ गई थी। हर कंपनी पर लॉस चल रहा था, जितनी भी फैक्ट्रीज थी तो उन पर काफ़ी ज़्यादा भारी भरकर मार पड़ी थी कोरोना की। तो इनका रेवेन्यू जो था फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में वो घटकर कहाँ पे आ गया था, माइनस का 26.55% के आसपास, और प्रॉफिट भी माइनस का 105% के आसपास आ गया था। इनका जो प्रॉफिट था वो लॉस में चेंज हो गया था, तो उनका टोटल लॉस कितना हुआ था 0.11 करोड़ का इनका लॉस हुआ और रेवेन्यू की कितना जनरेट किया 5.69 करोड़ रुपये का। तो काफ़ी भारी भरकर इनको नुकसान उठाना पड़ा इस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में। अब इनके देखिए फाइनेंशियल इनकी कंपनी के कैसे क्या है, कंपनी ने लास्ट ईयर से कैसे क्या परफॉर्मेंस दी है। तो टोटल रेवेन्यू देखिए तो कंपनी का लास्ट ईयर से जो है कम होते हुए दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 2020 में 7745 करोड़ के आसपास का था, लेकिन इस साल कितना है 5689 करोड़ के आसपास। आप गौर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2019 से इनका जो था रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में फिर से इनका कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिक्कत की बात जो इसमें आई है वो आई है इनकी नेट इनकम में, क्योंकि ये पहले लॉस में थे। देखिए ये दो साल लगातार लॉस में चल रहे थे, लॉस को कम कर रहे थे और लॉस को कम करते करते पॉजिटिव में ही पहुंच गए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 में। लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2020 कम हुआ फिर से ये दोबारा से माइनस में पहुंच गए, क्योंकि इनका 2100 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम जनरेट हो गई थी 2020 वाले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 2021 फाइनेंशियल ईयर में ये माइनस का 114.70 मतलब कि 114 करोड़ रुपये का इनका नेट इनकम माइनस में हुई है। तो ये लॉस खा गए थे इस फाइनेंशियल ईयर में। अर्निंग पर शेयर देखे तो उन्होंने अर्निंग पर शेयर में भी बहुत इंप्रूवमेंट दिया था, काफ़ी अपने आप को इंप्रूव कर रहे थे और 11 रुपये के आसपास अर्निंग पर शेयर कर ली थी, लेकिन फिर से ये माइनस में आ चुके हैं, माइनस का 0.57 के आसपास इनका जो है अर्निंग पर शेयर हो चुका है। तो काफ़ी इसमें गिरावट आई है 57 पैसे की इन्होंने जो लॉस दर्ज किया है अर्निंग पर शेयर में भी। अब देखते हैं कंपनी की होल्डिंग कैसे क्या है, होल्डिंग्स इनके प्रमोटर्स ने कैसी क्या ले रखी है, कंपनी पर कैसा भरोसा है कि नहीं है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग देखें तो बहुत ही बढ़िया है, 65.48% के आसपास की जो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में, मतलब प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, पूरी तरीके से भरोसा करना, क्योंकि जब होल्डिंग ज़्यादा होती है तो प्रमोटर्स को लगता है कि हाँ, ये देख के यही प्रतीत होता है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी में भरोसा है, क्योंकि अपनी कंपनी में भरोसा होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर भरोसा नहीं होगा तो बाकी लोग कैसे भरोसा कर सकते हैं कंपनीज पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो 50% 40% के आसपास की होल्डिंग होती है वो काफ़ी अच्छी मारी जाती है। तो इनकी तो 62.48 है, तो बहुत ही तगड़ी होल्डिंग्स है। DII की इसमें बहुत ही तगड़ी होल्डिंग है, 18.27% के आसपास की होल्डिंग जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ले रखी है। म्यूचुअल फंड की इसमें बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इसमें 1.42% के आसपास की होल्डिंग रखी है, तो मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसमें अच्छा खासा पैसा लगाए हुए हैं। रिटेलर्स ने इसमें 17.83% के आसपास की पैसा लगा रखा है, तो ठीक ठाक पैसा जो है छोटे लोगों का भी लगा हुआ है। तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी वैल्यू हुई इनकी होल्डिंग्स, समझ में आती है कि अच्छे बड़े लोगों ने भी छोटे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब चलते हैं इस पे चार्ट पर इसका कैसा क्या हालचाल चल रहा है, तो चार्ट पर इस पे हम आपको दिखाएं। तो इसका जो लेवल था, ये इसका 14 रुपये के आसपास का जो लेवल था, यहाँ से ये बढ़ना चालू हुआ था, तो ये बिल्कुल भी रुका नहीं, सीधे जाके पहुँचा ऊपर, बिल्कुल अपना जो इसका हाई था ऑलमोस्ट इसका 47-48 रुपीज़ के आसपास का इसने अपना हाई बनाया था। और अपना हाई बनाने के बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें फिर गिरावट चालू हुई, क्योंकि जो नीचे के लेवल पर जिन्होंने बाई कर रखा होगा उन्होंने इसमें काफ़ी भारी भरकम संख्या में क्या की होगी, सेलिंग की होगी, क्योंकि उनके टारगेट अचीव हो गए होंगे, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग बोले या गिरावट बोले तो चालू होती हुई अब दिखाई दे चुकी है। और इस गिरावट जो ये गिरावट आई है इसने आपको सतर्क भी किया था कि थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसका आप गौर करें इसका RSI एक बार देखें ऑलमोस्ट 95 के आसपास पहुंच गया था, तो इसने चौकन्ना लोगों को कर दिया था कि अब बहुत तेज़ी इसमें आ चुकी है, क्योंकि कोई भी शेयर देखें तो सीधे नहीं बढ़ता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो केवल खबरों की वजह से और जो इसमें आगे के भविष्य को देखते हुए ये शेयर बढ़ रहा था, लेकिन अब इसमें दोबारा गिरावट आ चुकी है। शेयर मार्केट में कोई भी शेयर ऐसे नहीं बढ़ता है कि मतलब कि सीधा बढ़ जाए, हमेशा इस फॉर्म में बढ़ता है जो मैंने आपको दिखाया लास्ट में, ये फॉर्म आपका होता है शेयर मार्केट में बढ़ोतरी का, तो इस तरीके से बढ़ता है। तो आप ये देख सकते हैं अब इसमें गिरावट चालू हुई, लेकिन ये गिरावट जैसे ही खत्म होगी दोबारा से ये ऊपर बढ़ता हुआ चालू होगा, आपको ये मैं पक्के बताता हूँ, ये बहुत अच्छा शेयर आगे साबित होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप इसमें बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है आगे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। अगर कंपनी डेट फ्री जल्दी से हो जाती है, कंपनी अपने कर्जों को चुका लेती है, कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है, अपने क्वार्टर के रिजल्ट को अच्छा इंप्रूव कर लेती है, तो ये कंपनी काफ़ी जल्दी ऊपर जाती हुई दिखाई देने वाली है आपको, और भविष्य में बहुत तगड़ी ये कंपनी बन सकती है। तो आपको अगर इसमें फ्रेश पोजीशन बनाना है तो फ्रेश पोजीशन के लिए सबसे जो
लेवल अच्छे रहेंगे, मतलब कि जो जहाँ तक ये नीचे आ सकता है गिरावट कहाँ तक आ सकती है, तो ये गिरावट लगभग जो सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 30 रुपये 95 पैसे के आसपास का, सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट रहने वाला है, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है। और अगर इस सपोर्ट को तोड़कर और भी नीचे आता है तो ये सेकंड सपोर्ट रहेगा इसका ऑलमोस्ट 25 रुपये 90 पैसे के आसपास का सेकंड सपोर्ट इसका, बहुत ही क्रूशियल दो मैंने आपको सपोर्ट दिए, ये दोनों आप सपोर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कहीं नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट होने वाले हैं इस शेयर के लिहाज से। सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों में सपोर्ट मानूंगा वो मानूंगा मैं 30 रुपये 95 पैसे के आसपास का सपोर्ट, ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्रूशियल होने वाला है, तो ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर 30 रुपये 95 पैसे और 25 रुपये 90 पैसे। और अगर आप ये ऊपर जाता है तो ऊपर कहाँ जाएगा, तो ये ऊपर जाने के लिए सबसे मेन जो इसका टारगेट रहेगा वो रहेगा जिसने अपना हाई बनाया था उसी हाई को ये दोबारा से टच करेगा, फिर जब ये इस हाई को टच कर लेगा तो फिर दोबारा से इसको आपके अगले टारगेट जो होंगे वो दूंगा, उसका अपना हाई कितना था 47 रुपये 60 पैसे के आसपास का, ये अपना टारगेट को अचीव करेगा, फिर ये दोबारा से ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई देगा, पहले ये टारगेट अचीव हो जाए फिर मैं आपको आगे के टारगेट दूंगा कि आगे किसके क्या टारगेट होने चाहिए। तो आपको बताऊँ कि शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, तो अभी आप शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें फ्रेश पोजीशन अभी बनाने की ना सोचें, अभी इसमें आप थोड़ा रुक जाइए क्योंकि इसमें थोड़ी सी गिरावट अभी और रहने वाली है, जब ये गिरावट पूरी हो जाती है अपना कंसोलिडेशन का फेज जब पूरे कर लेता है, ये गिरावट का समय अपना पूरा कर लेता है, फिर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा अपना लगा सकते हैं, कंपनी काफ़ी अच्छी मतलब भविष्य में परफॉर्मेंस दे सकती है अगर कंपनी अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्मेंस कर पाए, मतलब कि अपने डेप्थ को चुका ले, अपने क्वार्टर के रिजल्ट को सुधार पाए, तो ये कंपनी काफ़ी ऊपर जाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि शुगर का बूम हमेशा रहने वाला है, कभी शुगर का बूम कम नहीं होने वाला है इंडिया में, क्या हर जगह शुगर का जो है बूम हमेशा ही रहेगा, क्योंकि हर चीज़ में शुगर की जरूरत आगे पड़ने वाली है, और जैसे जैसे एथेनॉल की ब्लेंडिंग बढ़ती जाएगी और भी ज़्यादा ये शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो ये देखने वाली बात होगी कि ये शेयर कब तक और कहाँ तक जा पाता है। तो मैंने आपको सारे टारगेट दे दिए, आपको लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको मैंने टारगेट दे दिए क्या क्या इसके टारगेट होने चाहिए तो और क्या सपोर्ट है। तो यही तक था वीडियो दोस्तों हमारा, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।